सीरियल जग जननी माँ वैष्णो देवी की जो वैष्णवी है ना, उनके मम्मी पापा हमें घुमा रहे हैं, वो भी पता है कहाँ? अरे भोपाल। भोपाल का ये अंदाज आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा, गारंटी है। शहर भोपाल में पहुंच गए हैं रानी समृद्धि और राजा रत्नाकर। वैष्णवी के मम्मी पापा कर रहे हैं भोपाल में अनोखा डे आउट। भोपाल में पी रहे हैं यहाँ की चाय, ले रहे हैं यहाँ के स्वर्ण मंदिर में देवी माँ का आशीर्वाद, घूम रहे हैं भोपाल की सड़कों में बिल्कुल आम आदमी की तरह, करा रहे हैं अपना रॉयल फोटोशूट और कर रहे हैं राजा भोज की नगरी में। ये राजा रानी हो गए हैं दीवाने। सास बहु बेटिया पहुंच गया है मध्य प्रदेश की राजधानी और राजा भोज की नगरी भोपाल में, जहां पर आज हमारे खास मेहमान हैं तोरल राजपुत्र और ऋषिकेश पांडे, जिन्हें आप आजकल देख रहे हैं स्टार भारत के सीरियल जग जननी जय माँ वैष्णो देवी में। पर्दे पर तो दोनों बनते हैं वैष्णवी के मम्मी पापा यानी राजा रत्नाकर और रानी समृद्धि, लेकिन रियल लाइफ में ये दोनों मुंबई वासी आज घूमेंगे भोपाल की गलियां, यहां के जायके का मजा उठाएंगे, भोपाल वासियों से ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी सेल्फीज खिंचाएंगे और यहां के खूबसूरत मंदिर का दर्शन भी करेंगे। पर इसके लिए हमें मुंबई से लेनी होगी भोपाल तक की फ्लाइट और भोपाल पहुंचकर हम सीधा पहुंचे यहां के जहानुमा पैलेस में, जहां पर हो रही है रानी समृद्धि तैयार। तो देखते हैं कि कैसे सज रही है तोरल राजपुत्र आज हमारे इस खास भोपाली डे आउट के लिए। भाई तोरल तो रेडी होके तैयार है, इन्हें ज्वाइन किया इनके ऑन स्क्रीन पतिदेव रत्नाकर यानी ऋषिकेश पांडे ने और दोनों मियां बीवी रेडी होकर निकल पड़े हमारे साथ। मैं ऋषिकेश पांडे। हाय, मैं तोरल राजपुत्रा। और आज का पूरा दिन हमारा, आप सास बहू बेटियां के साथ हम रहेंगे आज पूरा दिन भोपाल में। लोग अपने शो के प्रमोशन के लिए आए हैं जो कि है जग जननी माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी की स्टार भारत। आप देख रहे हैं कि हम तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं भोपाल भ्रमण के लिए, तो आइए हमारे साथ। यस, लेट्स गो। तो बिना वक्त गवाए तैयार हो जाते हैं हमारी गाड़ी में और घूमते हैं भोपाल की गलियां। गाड़ी में म्यूजिक बचा और तोरल और ऋषिकेश कैसे रास्ते के नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव भोपाल का स्वर्ण मंदिर। भाई चूंकि जग जननी जय माँ वैष्णो देवी देवी माँ का शो है, इसलिए सबसे पहले देवी माँ का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। भोपाल में इस देवी के स्वर्ण मंदिर की बहुत मान्यता है और आज रानी समृद्धि और राजा रत्नाकर संग हम लेंगे देवी माँ का आशीर्वाद। हम आए हैं स्वर्ण मंदिर, गुरु माता मंदिर कहा जाता है और ये जो मेन रोड है उसके बीचों बीच चौराहे पे ही है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये माता का मंदिर है तो हमारे दर्शन तो बनते ही हैं, तो आइए। और हमारा शो भी माता जी का है, आइए। भाई भोपाल के स्वर्ण मंदिर में माँ की आरती की बहुत ही मान्यता है और आज तो खुद माता रानी के सीरियल वाले लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए माता रानी की आरती तो करनी जरूरी है और तोरल और ऋषिकेश ने की ये खास माता रानी की आरती। ये स्वर्ण मंदिर माता जी का मंदिर और हमारा शो भी माता जी के ऊपर है, तो हमने माँ से आशीर्वाद लिया कि ये शो सक्सेसफुल हो और आप सब इसे देखें सराहें एंड जस्ट कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं हमारे पड़ाव नंबर दो पर जो है भोपाल की सैर भोपाल के अंदाज में। भाई भोपाल में इस खास टुक टुक टेम्पो में सवारी करने का अपना मजा है।
जैसा कि हमने आपको कहा था कि महाराज और महारानी आपको भ्रमण पे लेके निकलेंगे गलियों की, भोपाल की, तो हम भोपाल की गलियों में निकल लिए हैं। आइए देखिए आगे का सफर। ये भोपाल गेट से सामने से होते हुए हम जा रहे हैं अब भोपाल की गलियों में। तो आज ऋषिकेश और तोरल ने तय किया कि क्यों ना इस टुक टुक पर सवारी करके भोपाल की गलियों को घूमा जाए। पर टुक टुक की सवारी के बाद हमारा अगला पड़ाव है यहाँ की खास चाय। आए हैं राजू टी स्टॉल पर, जो मुझे बताया गया था कि पुराने भोपाल में भोपाल जा रहे हैं तो चाय जरूर पीजिएगा। तो अब हम आ गए हैं पुराने भोपाल में, नमक वाली चाय। जैसे आपकी जिंदगी के लिए नमक जरूरी है, यहाँ चाय में नमक जरूरी है। आइए आइए, भोपाल में नमक की चाय पी जाती है और यहाँ के समोसे और पकौड़े बहुत ही मशहूर हैं। तो चलते हैं सीधा इस चाय की दुकान पे जो भोपाल वासियों की फेवरेट है। तो ये है हमारी नमक वाली चाय और बहुत ही फेमस चाय है ये यहाँ की भोपाल की। तो जब आप भोपाल आए तो डेफिनेटली ये आजमाएं। ये और ये सब आपके लिए है। चाय को पिया और साथ साथ यहाँ के समोसे और पकोड़ों का भी मजा उठाया। और आपकी खासियत देखिए, यहाँ पे समोसे स्पेशल और अब हम और पकोड़े स्पेशल यहाँ पे देख सकते हैं आप। बड़े पकोड़े यहाँ की खास बात है ये। चाय तो हो गई, अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि भोपाल में और क्या क्या स्पेशल चीजें हैं। तो आइए सारी गलियां घुमाते हैं आपको। अब बारी है हमारे अगले पड़ाव की और ये पड़ाव है यहाँ की लेक। जहाँ भोपाल शीलों का शहर है जिसे राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर राजा भोज की बड़ी सी एक प्रतिमा है और यहाँ पर इस लेक के बीच में राजा भोज की ये बड़ी सी प्रतिमा हर आने वाले का स्वागत करती है। तो अब हम सैर करते करते आए हैं बड़ा तालाब और जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो है राजा भोज और ये हमारे राजा रत्नाकर और महारानी समृद्धि। यस, घूम रहे हैं राजा भोज के नगरी भोपाल में। बहुत बड़ा लेक है जो भोपाल का बहुत ही फेमस लेक है। हाँ, बहुत सुना था हमने ये कि मैं दोपहर से बोल रही हूँ कि मुझे जाना है बड़ा तालाब देखना है और काश हम यहाँ इसलिए तोरल और ऋषिकेश ने इस जगह को अपना अगला डेस्टिनेशन चुना। वैसे यहाँ पर झील किनारे गर्म गर्म चने खाने का अपना मजा है। उठाते हैं चने का मजा। भोपाल का लेक आप देख रहे हैं। अब ये हमारी डेस्टिनेशन अगली डेस्टिनेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा पीसफुल है यहाँ पे। और चना जोर गरम खाने का मूड है आपका? हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं चना जोर गरम, इसका भी मजा ले रहे हैं हम भोपाल में। और ये सारा प्यार और श्रद्धा हमारे जग जननी माँ वैष्णो देवी कहानी माता रानी की के लिए। कि हम राजभवन के इलाके से निकल रहे हैं इस समय और महारानी और महाराज दर्शन पे निकले हैं। तो भ्रमण पे निकले हैं और ये हमारा भ्रमण पूरा भोपाल का भ्रमण कर रहे हैं हम और इसकी बाकी की रिपोर्ट हम शाम तक डेफिनेटली देंगे। और अभी महाराज लेक आया, ये देखिए हम लेक के पास से गुजर रहे हैं और अब खाने की तैयारी। अब बारी है हमारे अगले पड़ाव पर चलने की और हमारा अगला पड़ाव है जहानुमा पैलेस। जी हाँ, वो जगह जहाँ पर भोपाल की शानो शौकत और संस्कृति को सहेज कर रखा गया है। ये खूबसूरत सा रिजॉर्ट दरअसल यहाँ के राजाओं और नवाबों का महल हुआ करता था लेकिन अब म्यूजियम बन गया है। अब हम लोग आ गए हैं भोपाल के जहानुमा पैलेस में जहाँ आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भोपाल की जनता से भी रूबरू होंगे हम। चलिए, यहाँ पर पहुँचते ही ऋषिकेश इतना मोहित हो गए कि उन्होंने यहाँ पर अपना एक फोटोशूट कर डाला।
वैसे जहानुमा पैलेस का म्यूजियम भी देखने लायक है। वैसे इसी जगह इनके शो जग जननी जय माँ वैष्णो देवी का लॉन्च भी है, जहाँ पर भोपाल वासी इनसे मिलने आने वाले हैं। वैसे यहाँ पर खाना भी शानदार मिलता है। क्या सुबह से हम लोग काम में लगे हुए हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अब टाइम होता है भोजन का। भोजन का टाइम, और इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। चलिए। तो जरा ऋषिकेश और तोरल के साथ खाते हैं भोपाल की खास शाही थाली। सास बहु बेटियाँ के दर्शकों के लिए ढेर सारी स्वीट्स हैं थाली में। ये है हनी सिनेमन, ये है योगर्ट, ये खीर है, माल पोहा, ये है बीट का हलवा जो मैंने पहली बार देखा है, और बीटरूट का स्पेशल है, स्पेशलाइज्ड। और ये है बेसन का लड्डू भी है यहाँ पे, तो क्या चखा जाए? कहाँ से शुरू करेंगे आप? यही मैं खाती हूँ जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और एक बाइट आप लोगों के लिए। पहले आप लोग खाइए। ये और स्वीट, इतना स्वीट उसके बाद खाया। और इनकी मेहरबानी की जो आई थिंक दिस बीटरूट का हलवा वाज माइंड ब्लोइंग, थी अमेजिंग था। एंड व्हाट वाज दैट द अदर वन? मिष्टी दोई। मिष्टी दोई दैट वाज अमेजिंग। एंड ये सब खाली हो चुका है और अब हमें जितना आराम मिल चुका है करना है, अब विश्राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है, तो जो खाते खाते विश्राम हो गया, बहुत हो गया, वी गो फॉर वर्क नाउ। बाय। खाना पीना हो गया, अब वक्त है, और इसी के साथ दिन भी खत्म हो गया। और अंत में तोरल और ऋषिकेश ने भोपाल वासियों से बातचीत की, पर यहाँ पर लोगों के ढेर सारे सवाल थे जिनका इन्होंने जवाब दिया और अपने शो के बारे में ढेर सारी बातें की। और इसी के साथ खत्म हुआ तोरल और ऋषिकेश के साथ हमारा भोपाली डे आउट। तो देखा आपने भोपाल की तहजीब, यहाँ का खाना पीना, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ पर ढेर सारी देखने वाली चीजें। और आज हमने भोपाल भ्रमण किया तो बहुत ही मज़ा आया। मैं पहली बार भोपाल आई हूँ और यहाँ की जो चाय है यहाँ की, वो हमने चाय, जो फेमस चाय है वो पी, और भोपाल गेट देखा, फिर ये मंदिर देखने आए, फिर हम बड़ा तालाब गए। तो शायद एक दिन में आज हमने बहुत कुछ देख लिया। जनरली इतना मौका नहीं मिलता हमें सिटी विजिट में, पर आज हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया और हमारे थ्रू आपने सब देख लिया। एक के बाद एक नमक वाली चाय हमने पी और आपने टेस्ट महसूस किया। और इसके अलावा जो लेक देखा आपने, फिर गलियां देखी और उसके बाद भोपाल गेट देखा। तो अगली बार आप भोपाल आए तो याद रखिए, यहाँ के बेस्ट स्पॉट्स के बारे में तोरल और ऋषिकेश के साथ आपको बताया सास बहू और बेटिया ने। भोपाल से कैमरामैन महेश चौहान के साथ श्रुति बजातिया, आज तक।